सुबह हम उसके पता तलाश के लिए घर गए थे और वहाँ पर घर पे ताला लगा हुआ था। वहाँ पर वर्तमान में रोहित तो उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं थे, जवाब दे सके। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर फरारी पंचनामा एक बनाया हुआ है, उन जो फरार है यह सिद्ध कर रहा है। साथ में ही हम न्यूज़ जी न्यूज़ के ऑफिस जा रहे हैं, जिसमें हमको उनसे कुछ वीडियो के जो प्रसारण हुआ था जो कार्यक्रम में, उस संबंध में कुछ अपने को जानकारी चाहिए, तो नोटिस से वो अपन जानकारी लेने के लिए। जी न्यूज़ का नया तिहाड़ी एंकर, जिसने पहले दिन ही स्टूडियो में ऐसा नंगा नाच किया कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई है। एक राज्य की पुलिस उसे गिरफ्तार करने जाती है तो दूसरे राज्य की पुलिस उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है। लेकिन इन सब के बीच अब जी न्यूज का नया दंगाई भगौड़ा बन गया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के डर से वो अपना घर छोड़कर भाग चुका है। यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ की पुलिस कभी भी जी न्यूज के दफ्तर पर छापेमारी कर सकती है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुलीरा। एक जहरीले और नफरती एंकर को बचाने के लिए दो राज्यों की पुलिस आपस में गुथमगुथी कर रही है। बीच सड़क पर लड़कर खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए नोएडा की पुलिस जी न्यूज के एंकर को छत्तीसगढ़ की पुलिस के चंगुल से छुड़ा ले जाती है और कुछ ही घंटों बाद जी न्यूज के एंकर को जमानत पर नोएडा की पुलिस रिहा कर देती है। जैसे ही छत्तीसगढ़ की पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि जी न्यूज के एंकर को जमानत मिल गई है, फिर क्या था, छत्तीसगढ़ की पुलिस जी के एंकर को दबोचने के लिए उसके घर पहुंच गई। जैसे ही छत्तीसगढ़ की पुलिस जी न्यूज के एंकर के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि जी न्यूज का एंकर भगौड़ा हो चुका है। वो अपने घर पर ताला लगाकर अपने परिवार सहित कहीं भाग चुका है। जी हाँ, जी न्यूज का एंकर अब भगौड़ा बन चुका है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जी न्यूज के एंकर के घर पर भगौड़ा होने का नोटिस चिपका दिया है और उस एंकर के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी कर चुकी है। लेकिन स्टूडियो से झूठ और फर्जी खबर परोसने वाला जी न्यूज का एंकर अब कहीं किसी बिल में जाकर छुप चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जी न्यूज के एंकर को भगौड़ा बनाने में नोएडा पुलिस का भी हाथ है? क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस जी न्यूज के दंगाई एंकर को सुरक्षा दे रही है ताकि उसे छत्तीसगढ़ की पुलिस से बचाया जा सके? लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भी ठान लिया है कि वो जी के दंगाई को ढूंढ कर ही छोड़ेगी। तो आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ की पुलिस पहले जी न्यूज के एंकर के घर जाती है और वो वहां नहीं मिलता है तो उसके घर पर भगौड़ा होने का नोटिस चिपका देती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस यही नहीं रुकती है, बल्कि वो मीडिया के सामने आकर जी न्यूज वालों को चेता देती है कि वो बहुत जल्द ही न्यूज के ऑफिस पर छापेमारी कर सकते हैं। सुबह हम उसके पता तलाश के लिए घर गए थे और वहाँ पर घर पे ताला लगा हुआ था। वहाँ पर वर्तमान में रोहित तो उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं थे, जवाब दे सके। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर फरारी पंचनामा एक बनाया हुआ है, उन जो फरार है यह सिद्ध कर रहा है। साथ में ही हम न्यूज़ जी न्यूज़ के ऑफिस जा रहे हैं, जिसमें हमको उनसे कुछ वीडियो के जो प्रसारण हुआ था जो कार्यक्रम में, उस संबंध में कुछ अपने को जानकारी चाहिए, तो नोटिस से वो अपन जानकारी लेने के लिए। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ की पुलिस को एक तरफ, एक राज्य की पुलिस एक दंगाई एंकर को बचाने में लगी हुई है जो स्टूडियो में फर्जी खबरें चलाता है, जो ट्विटर से नफरत की आग उगलता है, जो पत्रकार नहीं बल्कि सत्ता का पैरोकार लगता है, जिसकी भाषा दो रुपल्ली ट्रॉलर्स की तरह है, जो अंधभक्तों की तरह बात करता है, उसे एक राज्य की पुलिस बचाने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ एक राज्य की पुलिस उसी नफरती एंकर के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन वो भगौड़ा बना हुआ है। अगर आपको याद हो तो यही हाल अमन चोपड़ा के साथ भी हुआ था, जब राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा के घर और उसके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, तब वो अपना घर छोड़कर भगौड़े बन गए थे। कई दिनों तक या यूं कहें कि हफ्तों तक वो स्टूडियो से गायब रहे। राजस्थान की पुलिस न्यूज 18 के दफ्तर में भी धावा बोल देती है, लेकिन वो वहां भी नहीं मिलते हैं। उसकी किस्मत अच्छी कहिए कि कुछ ही दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह के कानून पर ही रोक लगा देती है, जिसके बाद अमन चोपड़ा और कई लोगों की गिरफ्तारी टल जाती है। और फिर क्या, जो हफ्तों से भगौड़ा बना हुआ था वो वापस स्टूडियो में लौट जाता है, फिर शुरू कर देता है अपने दंगाई धंधे का नया कारोबार, खोल बैठता है हिंदू मुस्लिम की नई दुकान। तो क्या सत्ता में बैठे लोग अमन चोपड़ा की तरह जी न्यूज के इस दंगाई को भी बचाते फिरेंगे जब तक उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिल जाती है? क्योंकि जी न्यूज के दंगाई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख दिखाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जी न्यूज के एंकर को गिरफ्तार करने का आदेश देती है या फिर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देती है, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। पर जिस तरह से जी न्यूज का एंकर भगौड़ा बना हुआ है, उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।